देखिए ये आईन की दोनों किताबें उर्दू इंग्लिश दोनों की हमारे पास हैं। पहले दिन एंटर हुए आपने ये हमें बताया, इसकी पहली लाइन ये कहती है वेयर इज सोवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेट ट्रस्ट। उर्दू में कह दूं पहली लाइन है, चूंकि अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक है और पाकिस्तान के जमहूर का इख्तियार इख्तदार उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा, वो एक मुकद्दस अमानत है। नाउ जब ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह की हाकिमियत होगी, अब अल्लाह अपनी किताब में क्या कह रहा है, दो लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपनी किताब में, आप कह रहे हैं कि अल्लाह की हाकिमियत होगी, अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के जिम्मे बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। और आगे वाली बात बहुत खतरनाक है सर, और वो ये कह रहे हैं फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। सर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस इकोनॉमी को सही करने की बात कर रहे हैं उस इकोनॉमी में सूद का अमल दखल है और 2022 में शरीयत अदालत ने फैसला दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के अपीलेंट बेंच में, ये फैसला रुका हुआ है। आप कहते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल कह रहे हैं कि उससे खुली जंग है। सवान में ये बताएं सर, या तो आप किताब में से पहले लाइन डिलीट कर दें कि अल्लाह और उसके रसूल की हाकिमियत होगी, इसलिए कि अल्लाह की किताब ये कह रही है कि ये सूद का निजाम अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है।